ओम शांति। 26 जनवरी 2023 के बाबा के साकार महावाक्य, मीठे बच्चे, अमृत वेले के शांत शुद्ध वायुमंडल में तुम देह सहित सब कुछ भूल मुझे याद करो। उस समय याद बहुत अच्छी रहेगी। पहला प्रश्न, बाप की ताकत प्राप्त करने के लिए तुम बच्चे सबसे अच्छा कर्म कौन सा करते हो? उत्तर, सबसे अच्छा कर्म है बाप पर अपना सब कुछ अर्थात तन मन धन सहित अर्पण करना। जब तुम सब कुछ अर्पित करते हो तो बाप तुम्हें रिटर्न में इतनी ताकत देता जिससे तुम सारे विश्व पर सुख शांति का अटल अखंड राज्य कर सको। दूसरा प्रश्न, बाप ने कौन सी सेवा बच्चों को सिखलाई है जो कोई भी मनुष्य नहीं सिखला सकता? उत्तर, रूहानी सेवा। तुम आत्माओं को विकारों की बीमारी से छुड़ाने के लिए ज्ञान का इंजेक्शन लगाते हो। तुम हो रूहानी सोशल वर्कर। मनुष्य जिस्मानी सेवा करते लेकिन ज्ञान इंजेक्शन देकर आत्मा को जागती ज्योत नहीं बना सकते। ये सेवा बाप ही बच्चों को सिखलाते हैं। ओम शांति। भगवान उवाच, ये तो समझाया गया है कि मनुष्य को भगवान कभी भी नहीं कहा जा सकता। ये है मनुष्य सृष्टि और ब्रह्मा विष्णु शंकर हैं सूक्ष्म वतन में। शिव बाबा है आत्माओं का विनाशी बाप। विनाशी शरीर का बाप तो विनाशी है, ये तो सब जानते हैं। पूछा जाता है कि तुम्हारे इस विनाशी शरीर का बाप कौन है? आत्मा का बाप कौन है? आत्मा जानती है, वे परम धाम में रहते हैं। अभी तुम बच्चों को देह अभिमानी किसने बनाया? देह को रचने वाले ने। देह ही अभिमानी कौन बनाता है जो आत्माओं का अविनाशी बाप है? अविनाशी माना जिसका आदि मध्य अंत नहीं है। अगर आत्मा का और परम आत्मा का आदि मध्य अंत कहें तो फिर रचना का भी सवाल उठ जाए। उनको कहा जाता है अविनाशी आत्मा, अविनाशी परमात्मा। आत्मा का नाम आत्मा है, बरोबर आत्मा अपने को जानती है कि हम आत्मा हैं। मेरी आत्मा को दुखी मत करो, मैं पाप आत्मा हूँ, ये आत्मा कहती है। स्वर्ग में कभी भी ये अक्षर आत्माएं नहीं कहेंगी। इस समय ही आत्मा पतित है जो फिर पावन बनती है। पतित आत्मा ही पावन आत्मा की महिमा करती है। जो भी मनुष्य आत्माएं हैं उनको पुनर्जन्म तो जरूर लेना ही है। ये सब बातें हैं नई। बाप फरमान करते हैं, उठते बैठते मुझे याद करो। आगे तुम पुजारी थे, शिवाय नमः कहते थे। बाप कहते हैं, तुम पुजारियों ने नमः तो बहुत बारी किया, अब तुमको मालिक पूज्य बनाता हूँ। पूज्य को कभी नमः नहीं करना पड़ता, पुजारी नमः अथवा नमस्ते कहते हैं। नमस्ते का अर्थ ही है नमः करना। कांध थोड़ा नीचे जरूर करेंगे। अब तुम बच्चों को नमः कहने की दरकार नहीं। न लक्ष्मी नारायण नमः, न विष्णु देवताए नमः, न शंकर देवताए नमः। ये अक्षर ही पुजारीपन का है। अब तो तुमको सारी सृष्टि का मालिक बनना है, बाप को ही याद करना है। कहते भी हैं वह सर्व समर्थ है, कालों का काल अकाल मूर्त है, सृष्टि का रचयिता है, ज्योति बिंदु स्वरूप है। आगे उनकी बहुत महिमा करते थे, फिर कह देते थे सर्वव्यापी, कुत्ते बिल्ली में भी है, तो सभी महिमा खत्म हो जाती। इस समय के सब मनुष्य ही पाप आत्माएं हैं, तो फिर जानवरों की क्या महिमा होगी? मनुष्य की ही सारी बात है। आत्मा कहती है, मैं आत्मा हूँ, ये मेरा शरीर है। जैसे आत्मा बिंदु है, वैसे परम पिता परमात्मा भी बिंदु है। वे भी कहते हैं, मैं पतितों को पावन बनाने साधारण तन में आता हूँ, आकर बच्चों का ओबीडियंट सर्वेंट बन सर्विस करता हूँ। मैं रूहानी सोशल वर्कर हूँ, तुम बच्चों को भी रूहानी सेवा करना सिखलाता हूँ।
और सब जिस्मानी हद की सेवा करना सिखलाते हैं, तुम्हारी है रूहानी सेवा। तब कहा जाता है ज्ञान अंजन सतगुरु दिया। सच्चा सतगुरु वह एक ही है, वही अथॉरिटी है। सभी आत्माओं को आकर इंजेक्शन लगाते हैं। आत्माओं में ही विकारों की बीमारी है। ये ज्ञान का इंजेक्शन और कोई के पास होता नहीं। पतित आत्मा बनी है, न कि शरीर जिसको इंजेक्शन लगाएं। पांच विकारों की कड़ी बीमारी है। इसके लिए इंजेक्शन ज्ञान सागर बाप के सिवाय कोई के पास भी है नहीं। बाप आकर आत्माओं से बात करते हैं कि हे आत्माएं, तुम जागती ज्योति थी, फिर माया ने परछाया डाला। डालते डालते तुमको धुंधकारी बुद्धि बना दिया है। बाकी कोई युधिष्ठर व धृतराष्ट्र की बात नहीं है, ये रावण की बात है। बाप कहते हैं, मैं आता ही हूँ साधारण रीति, मेरे को विरला ही कोई जान सकते हैं। शिव जयंती अलग है, कृष्ण जयंती अलग है। परमपिता परमात्मा शिव को श्री कृष्ण से मिला नहीं सकते, वह निराकार वह साकार। बाप कहते हैं, मैं हूँ निराकार, मेरी महिमा भी गाते हैं। हे पतित पावन, आकर इस भारत को फिर से सतयुगी दैवी राजस्थान बनाओ। कोई समय दैवी राजस्थान था, अभी नहीं है, फिर कौन स्थापन करेगा? परमपिता परमात्मा ही ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया स्थापन करते हैं। अभी है पतित प्रजा का प्रजा पर राज्य, इनका नाम ही है कब्रिस्तान। माया ने खत्म कर दिया है। अब तुमको देह सहित देह के सब संबंधियों को भूल मुझ बाप को याद करना है। शरीर निर्वाह अर्थ कर्म भी भल करो। जो कुछ समय मिले तो मुझे याद करने का पुरुषार्थ करो। ये एक ही तुमको युक्ति बताते हैं। सबसे जास्ती मेरी याद तुमको अमृत वेले रहेगी, क्योंकि वह शांत शुद्ध समय होता है। उस समय न चोर चोरी करते, न कोई पाप करते, न कोई विकार में जाते। सोने के टाइम सब शुरू करते हैं, उसको कहा जाता है घोर तमो प्रधान रात। अब बाप कहते हैं, बच्चे पास्ट इज पास्ट, भक्ति मार्ग का खेल पूरा हुआ। अब तुमको समझाया जाता है ये तुम्हारा अंतिम जन्म है। ये प्रश्न उठ नहीं सकता कि सृष्टि की वृद्धि कैसे होगी। वृद्धि तो होती ही रहती है। जो आत्माएं ऊपर हैं उनको नीचे आना ही है। जब सभी आ जाएंगे तब विनाश शुरू होगा। फिर नंबरवार सबको जाना ही है। गाइड सबसे आगे होता है ना। बाप को कहा जाता है लिबरेटर, पतित पावन। पावन दुनिया है ही स्वर्ग, उनको बाप के सिवाय कोई बना ना सके। अब तुम बाप की श्रीमत पर भारत की तन मन धन से सेवा करते हो। गांधी जी चाहते थे परंतु कर ना सके। ड्रामा की भावी ऐसी थी, जो पास्ट हुआ। पतित राजाओं का राज्य खत्म होना था तो उनका नाम निशान खत्म हो गया। उन्हों की प्रॉपर्टी का भी नाम निशान नहीं है। खुद भी समझते थे लक्ष्मी नारायण ही स्वर्ग के मालिक थे, परंतु ये कोई नहीं जानते कि उन्हों को ऐसा किसने बनाया। जरूर स्वर्ग के रचयिता बाप से वर्षा मिला होगा, और कोई इतना भारी वर्षा दे न सके। ये बातें कोई शास्त्रों में नहीं है, गीता में है, परंतु नाम बदल दिया है। कौरव और पांडव दोनों को राजाएं दिखाते हैं, परंतु यहाँ दोनों को राजाएं नहीं है। अब बाप फिर स्थापना करते हैं, तुम बच्चों को खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। अब नाटक पूरा होता है। हम अब जा रहे हैं, हम स्वीट होम में रहने वाले हैं। वो लोग कहते हैं, फलाना पार निर्वाण गया, वह ज्योति ज्योत में समाया अथवा मोक्ष को पाया। भारतवासियों को स्वर्ग मीठा लगता है, वे कहते हैं स्वर्ग पधारा। बाप समझाते हैं, मोक्ष तो कोई पाता नहीं, सभी का सदगति दाता बाप ही है। वह जरूर सबको सुख ही देगा। एक निर्वाण धाम में बैठे और एक दुख भोगे,
ये बाप सहन कर नहीं सकते। बाप है पतित पावन, एक है मुक्ति धाम पावन, दूसरा है जीवन मुक्ति धाम पावन। फिर द्वापर के बाद सभी पतित बन जाते हैं, पांच तत्व आदि सब तमो प्रधान बन जाते हैं। फिर बाप आकर पावन बनाते हैं, फिर वहां पवित्र तत्वों से तुम्हारा शरीर कोरा बनता है, नेचुरल ब्यूटी रहती है, उनमें कशिश रहती है। श्री कृष्ण में कितनी कशिश है, नाम ही है स्वर्ग तो फिर क्या। परमात्मा की महिमा बहुत करते हैं अकाल मूर्त, फिर उनको ठिककर भीतर में ठोक दिया है। बाप को कोई भी जानते नहीं, जब बाप आए तब आकर समझाए। लौकिक बाप भी जब बच्चे रचे तब तो बाप की बायोग्राफी का उनको पता पड़े। बाप के बिगड़ बच्चों को बाप की बायोग्राफी का पता कैसे पड़े। अब बाप कहते हैं लक्ष्मी नारायण को वरना है तो मेहनत करनी पड़े। जबरदस्त मंजिल है, बहुत भारी आमदनी है। सतयुग में पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था, पवित्र राजस्थान था, सो अब अपवित्र हो गया है। सब विकारी बन गए हैं, ये है ही आसुरी दुनिया। बहुत करप्शन लगी हुई है। राजाई में तो ताकत चाहिए, ईश्वरीय ताकत तो है नहीं। प्रजा का प्रजा पर राज्य है, जो दान पुण्य अच्छे कर्म करते हैं उनको राजाई घर में जन्म मिलता है। वे कर्म की ताकत रहती है। अभी तुम तो बहुत ऊंचे कर्म करते हो, तुम अपना सब कुछ तन मन धन शिव बाबा को अर्पण करते हो, तो शिव बाबा को भी बच्चों के सामने सब कुछ अर्पण करना पड़े। तुम उनसे ताकत धारण कर सुख शांति का अखंड अटल राज्य करते हो। प्रजा में तो कुछ भी ताकत नहीं है। ऐसे नहीं कहेंगे कि धन दान किया तब MLA आदि बने। धन दान करने से धनवान घर में जन्म मिलता है। अभी तो राजाई कोई है नहीं। अब बाबा तुमको कितनी ताकत देते हैं। तुम कहते हो हम नारायण को वरेंगे, हम मनुष्य से देवता बन रहे हैं। ये हैं सब नई नई बातें। नारद की बात अभी की है, रामायण आदि भी अभी के हैं। सत्युग त्रेता में कोई शास्त्र होता नहीं, सभी शास्त्रों का अभी से ताल्लुक है। झाड़ को देखेंगे, मठ पंथ सब बाद में आते हैं। मुख्य है ब्राह्मण वर्ण, देवता वर्ण, क्षत्रिय वर्ण। ब्राह्मणों की चोटी मशहूर है, ये ब्राह्मण वर्ण सबसे ऊंचा है, जिसका फिर शास्त्रों में वर्णन नहीं है। विराट रूप में भी ब्राह्मणों को उड़ा दिया है। ड्रामा में ऐसी नोंद है। दुनिया के लोग ये नहीं समझते कि भक्ति से नीचे उतरते हैं। कह देते हैं भक्ति से भगवान मिलता है, बहुत पुकारते हैं, दुख में सिमरण करते हैं। सो तो तुम अनुभवी हो, वहां दुख की बात नहीं, यहां सब में क्रोध है। एक दो को गाली देते रहते हैं। अभी तुम शिवाय नमः नहीं कहेंगे। शिव तो तुम्हारा बाप है ना। बाप को सर्वव्यापी कहने से ब्रदरहुड उड़ जाता है। भारत में कहते तो बहुत अच्छा है, हिंदू चीनी भाई भाई, चीनी मुस्लिम भाई भाई, भाई भाई तो है ना, एक बाप के बच्चे हैं। इस समय तुम जानते हो हम एक बाप के बच्चे हैं। यह ब्राह्मणों का सिजरा फिर से स्थापन हो रहा है। इस ब्राह्मण धर्म से देवी देवता धर्म निकलता है, देवी देवता धर्म से क्षत्रिय धर्म, क्षत्रिय से फिर इस्लामी धर्म निकलेगा, सिजरा है ना, फिर बौद्धी क्रिश्चियन निकलेंगे। ऐसे वृद्धि होते होते इतना बड़ा झाड़ हो गया है। ये है बेहद का सिजरा, वह होता है हद का। ये डिटेल की बातें जिसको धारण नहीं हो सकती, उनके लिए बाप सहज युक्ति बताते हैं कि बाप और वर्से को याद करो तो स्वर्ग में जरूर आएंगे। बाकी ऊंच पद प्राप्त करना है तो उसके लिए पुरुषार्थ करना है। ये तो तुम बच्चे जानते हो, शिव बाबा भी तुमको समझाते हैं, ये बाबा भी समझाते हैं।
वही हमारी तुम्हारी बुद्धि में है। भल हम शास्त्र आदि पढ़े हुए हैं, परंतु जानते हैं इन सब से कोई भगवान नहीं मिलता। बाप समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चे, श्री बाबा को और वर्षे को याद करते रहो। बाबा आप बहुत मीठे हो, कमाल है आपकी, ऐसे ऐसे महिमा करनी चाहिए बाबा की। तुम बच्चों को ईश्वरीय लॉटरी मिली है, अब मेहनत करनी है ज्ञान और योग की। इसमें जबरदस्त प्राइस मिलती है, तो पुरुषार्थ करना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलत है बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते और शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट। अब नाटक पूरा हो रहा है, हम अपने स्वीट होम में जा रहे हैं। इस स्मृति से खुशी का पारा सदा चढ़ा रहे। दूसरा पॉइंट, पास्ट सो पास्ट कर इस अंतिम जन्म में बाप को पवित्रता की मदद करनी है। तन मन धन से भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा में लगना है। वरदान, सर्व पुराने खातों को संकल्प और संस्कार रूप से भी समाप्त करने वाले अंतर्मुखी भाव। स्पष्टीकरण, बाप दादा बच्चों के सभी चौपड़े अब साफ देखने चाहते हैं। थोड़ा भी पुराना खाता अर्थात बाह्य मुक्ता का खाता संकल्प व संस्कार रूप में भी रहना जाए, सदा सर्व बंधन मुक्त और योग युक्त। इसी को ही अंतर्मुखी कहा जाता है। इसलिए सेवा खूब करो, लेकिन बाह्य मुखी से अंतर्मुखी बनकर करो। अंतर्मुखता की सूरत द्वारा बाप का नाम बाला करो। आत्माएं बाप का बन जाएं, ऐसा प्रसन्न चित्त बनाओ। स्लोगन, अपने परिवर्तन द्वारा संकल्प बोल संबंध संपर्क में सफलता प्राप्त करना ही सफलता मूर्त बनना है। ओम शांति।